नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बताते हुए इसका ऐलान किया था और जनता से 50 दिनों का वक्त मांगा था, लेकिन 50 दिनों बाद भी लोगों की दिक्कतें कम नहीं हुई हैं। हालात जस के तस बने हुए हैं। बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें तो नहीं है, लेकिन लोगों को कैश निकालने में अभी भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर से लेकर देहात तक लोग अपना पैसा निकालने के लिए परेशान हैं। अब जनता को इस बात का इंतजार है कि सरकार कैश निकासी की सीमा बढ़ाए और एटीएम में पर्याप्त मात्रा में नोट उपलब्ध हो, लेकिन 50 दिन बाद भी बैंकिंग सुविधाओं में विशेष बदलाव नहीं आया है। आरबीआई ने एक सप्ताह में 24,000 रुपए कैश निकालने की सीमा तय की है, मगर बैंक इतने रुपए भी नहीं दे पा रहे। इन 50 दिनों के दौरान जहां लोग परेशान रहे, वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से काले धन कुबेरों का भंडाफोड़ हुआ। आयकर विभाग ने छापेमारी में करोड़ों के पुराने और नए नोट जब्त किए, सोना जब्त किया। इन 50 दिनों में पारस मल्लोढ़ा, गुजरात के भजिया वाले से लेकर बीजेपी के कई नेताओं तक ईडी ने शिकंजा कसा। यही नहीं, इस दौरान बैंकों में भी आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। काले धन को सफेद करने के इस खेल में बैंक मैनेजरों समेत कई लोगों की धरपकड़ की गई। इसके साथ ही नोटबंदी में 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई हैं। सरकार को उम्मीद थी कि काले धन के रूप में रखे गए कम से कम 3,00,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट वापस नहीं होंगे, लेकिन इन 50 दिनों में 15,40,00,000 की पुरानी नकदी में से तकरीबन 14,00,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो चुके हैं। ऐसे में अब सरकार का ये फैसला फ्लॉप होता नजर आ रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।